सत श्री अकाल दोस्तो, तुहाडा सारयां दा इक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीआं खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला जे तुसी हजे तक इस वीडियो नू लाइक नहीं कीता तां लाइक जरूर करो अते अंत तक देखदे रहो। तुहानू सब नू बेनती है कि इस वीडियो नू पूरा जरूर देखो। खबरां विच अगे वधण तो पहला जाणदे हां अज दे मुख हैडलाइन। पंजाब विच बेलगाम होया कोरोना, 24 घंटिया दौरान 39 मौतां, 1020 नवे केस। अगे दसांगे पूरी खबर। नवजोत कौर सिद्धू ने किसानां नूं लैके पीएम मोदी नूं लिखी चिट्ठी, कही इह वड्डी गल। जी हां, ईमानदारी नाल टैक्स भरन वालियां नूं मोदी करनगे सन्मानित। H1B वीजा धारकां नूं ट्रंप दी वड्डी राहत, इन्हां शर्तां तहत जा सकणगे अमरीका। अगे दसांगे पूरी खबर। बाजवा चुक्कणगे कैप्टन खिलाफ आवाज, हुण संसद विच गुंजेगा पंजाब दा मुद्दा। सेहत मंत्री ने 30 सितंबर तक बदलियां ते छुट्टियां ते लगाई पाबंदी। पार्टी हाई कमान ने पंजाब दे सारे कांग्रेसी नेतावां नूं इक दूजे विरुद्ध बयान देण तों वरजिया। वड्डी वारदात, धी नूं जबरदस्ती ले जा रहे सन नौजवान, पिता ने रोकिया तां कर दित्ता कतल। अगे दसांगे पूरी खबर विस्तार विच। हुण इस मामले विच सिमरजीत ते बलविंदर बैंस समेत 32 वर्करां खिलाफ केस दर्ज। कैप्टन सरकार ने राम भरोसे छड़े किसान, आपने पंजाब सरकार दे नाल नाल केंद्र नूं रज के कोसिया। दोस्तों, खबरां विच होर भी बहुत सारियां महत्वपूर्ण जानकारियां हन। तुहाडे तो कोई जानकारी खुंझ ना जावे, इसलिए वीडियो नूं अंत तक जरूर देखो, क्योंकि दोस्तो असी सिर्फ तुहाडे लई सच्चियां खबरां ते कम दीआं खबरां ही लियांदे हां। तां आओ जाणीए अज दी पहली वड्डी खबर। पंजाब विच बेलगाम होया कोरोना, 24 घंटिया दौरान 39 मौतां, 1020 नवे केस। जी हां, दस दईए कि पंजाब विच आए दिन कोरोना दा अंकड़ा वधदा जा रहा है। इस दौरान मौत दा अंकड़ा भी दिन ब दिन वधदा जा रहा है। पंजाब दे सेहत विभाग वल्लों जारी हैल्थ बुलेटिन मुताबिक पिछले 24 घंटिया दौरान सूबे विच 39 लोकां ने दम तोड़ दिता है। जेकर कोरोना केसां दी गल कीती जावे तां 1020 नवे मामले सामने आए हन, जिस दौरान कुल मामलियां दी गिनती 26,909 तक पहुंच गई है। सूबे विच एक्टिव मरीज 9,022, जबकि 17,212 मरीज ठीक होके घर परत चुके हन। तुहानू दस दईए कि बीते दिन भी पंजाब विच करीब 32 लोकां दी कोरोना कारण मौत होई सी, जिस कारण लोकां विच डर दा माहौल बनिया होया है। लुधियाना विच कोरोना बेलगम हुंदा जा रहा है ते शहर विच सब तो ज्यादा 229 मामले सामने आए हन। नवजोत कौर सिद्धू ने किसानां नूं लै के पीएम मोदी नूं लिखी चिट्ठी, कही इह वड्डी गल। जी हां, दस दईए कि मध्य प्रदेश विच बासमती चावल नूं GI टैगिंग ना देण मामले नूं लै के नवजोत कौर सिद्धू ने देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी लिखी है। उन्हां किसानां दे हक विच कहा कि किसानां दा कर्ज मुआफ करना केंद्र सरकार दी जिम्मेवारी है। उन्हां अपने पत्र विच लिखिया है कि मध्य प्रदेश नूं GI टैग नाल पंजाब दे किसानां नूं नुकसान होवेगा, जबकि पाकिस्तान अते चीन इस दा फायदा चुकणगे। तुहानू दस दईए कि बासमती चावल नूं GI टैगिंग दे मामले विच कैप्टन अमरिंदर सिंह अते मध्य प्रदेश दे मुख मंत्री शिवराज चौहान आमो सामने हो गए सन। दोवां मुख मंत्रियां विचाले इह टकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों प्रधानमंत्री वल लिखे उस पत्र तों बाद सामने आया, जिस विच उन्हां ने मध्य प्रदेश नूं बासमती चावल दी GI टैगिंग विच शामिल कीते जाण दा विरोध कीता सी। ईमानदारी नाल टैक्स भरन वालियां नूं मोदी करनगे सन्मानित। जी हां, दस दईए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ईमानदारी नाल टैक्स अदा करन वालियां लई ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नामक मंच दी शुरुआत करनगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अते केंद्रीय वित्त राज मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस समय मौजूद रहनगे। इस दौरान चैंबर्स ऑफ कमर्स, व्यापार संगठन, चार्टर्ड अकाउंट संगठन, टैक्स विभाग दे अधिकारियां तों अलावा कई नामी टैक्स दाता भी इन्हां पलां दे गवाह बणनगे। सरकार ने कहा कि इस नाल केंद्र सरकार ते केंद्रीय सीधा कर बोर्ड दे हाल ही दे सालां विच डायरेक्ट टैक्स दे सुधार विच विकास होवेगा। पिछले साल कारपोरेट टैक्स दीआं दरां 30% तों घट के 22% कर दित्तियां गईआं सन। नवीआं निर्माण इकाईआं लई दरां घट के 50% कर दित्तियां गईआं सन। सरकार दा खास जोर सुधारां ते है।
H-1B वीजा धारकां नूं ट्रंप दी वड्डी राहत, इन्हां शर्तां तहत जा सकणगे अमरीका। जी हां, दस दईए कि अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमां विच बदलाव कर दिता है। जिहड़े लोकां कोल H-1B वीजा है उन्हां नूं शर्तां तहत अमरीका आउण दी इजाजत दित्ती गई है। ट्रंप प्रशासन दीआं शर्तां मुताबिक जेकर कई H-1B वीजा धारक वापस पाबंदी लगन तों पहलां अपनी पुरानी नौकरी ते अमरीका विच परतदा है तां उस नूं अमरीका विच आउण दी इजाजत होवेगी। वीजा धारकां दी पत्नी ते बच्चियां नूं भी प्राइमरी वीजा दे नाल अमरीका विच आउण दी इजाजत होवेगी। ट्रंप प्रशासन वल्लों जारी नोटिफिकेशन मुताबिक इस तों इलावा टैक्नीकल माहर, सीनियर पद्धर मैनेजर ते उन्हां लोकां नूं भी अमरीका विच आउण दी इजाजत है जिन्हां कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अमरीकी अर्थव्यवस्था नूं मुड़ लीह ते लिआउण लई इह फैसला कीता गया है। बाजवा चुकणगे कैप्टन खिलाफ आवाज, हुण संसद विच गुंजेगा पंजाब दा मुद्दा। जी हां, दस दईए कि दिल्ली पहुंचे कांग्रेस दे राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन सरकार ते एक बार फिर तिखा हमला बोल दिता है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब विच सरकार चल किंज रही है, इह मुद्दा हुण संसद विच गुंजेगा। बाजवा ने कहा, कैप्टन हले भी अपने आप नूं महाराजा समझदे हन, पर इह लोकशाही है। पंजाब विच जहरीली तो शुरू होया कैप्टन अते बाजवा विचाले झगड़ा हुण रुकण दा नाम नहीं लै रहा। बाजवा ने अज एक बयान विच इह तक कह दिता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना मानसिक संतुलन गवा चुके हन। बाजवा ने कहा कि 1980 तो लैके अज तक जानी 40 साल तक मेरे कोल पंजाब पुलिस दी सुरक्षा है। उन्हां कहा कि कैप्टन प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल अते बिक्रमजीत मजीठिया नूं तां सुरक्षा दे सकदे हन, पर मैनूं नहीं। उन्हां नाल इन्हां दा की मेल जोल है? दोस्तों, खबरां विच होर भी बहुत सारियां महत्वपूर्ण जानकारियां हन। तुहाडे तो कोई जानकारी खुंझना जावे इस लई वीडियो नूं अंत तक जरूर देखो। सेहत मंत्री ने 30 सितंबर तक बदलियां ते छुट्टियां ते लगाई पाबंदी। जी हां, दस दईए कि पंजाब विच कोरोना वायरस दे वध रहे मामलियां नूं देखदे होए अज सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने 30 सितंबर 2020 तक विभागी बदलियां ते छुट्टी ते मुकम्मल पाबंदी दे हुक्म जारी कीते हन जो तुरंत प्रभाव नाल लागू होणगे। इस बारे जानकारी दिंदिआं बलबीर सिंह सिद्धू ने दस्सिआ कि इह फैसला कोविड-19 दे मौजूदा हालातां नूं ध्यान विच रख होए लिया गया है। उन्हां कहा कि इह देखिया गया है कि कोरोना विरुद्ध विड्डी गई मुहिम नूं होर वधिया ढंग नाल नजिठण लई सारे अधिकारियां, मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ दा अपने स्टेशनां ते तैनात रहना जरूरी हो गया है। पार्टी हाई कमान ने पंजाब दे सारे कांग्रेसी नेतावां नूं एक दूजे विरुद्ध बयान देण तों वरजिया। जी हां दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस दे मौजूदा प्रधान सुनील जाखड़ अते राज्यसभा मैंबरां ते दो साबका सूबा प्रदेश कांग्रेस प्रधानां प्रताप सिंह बाजवा अते शमशेर सिंह दुल्लों विचकार जहरीली शराब कांड दे मुद्दे नूं लै के छिड़े शब्दी युद्ध दा कांग्रेस हाई कमान ने सख्त नोटिस लिया है अते इस तरहां सूबा कांग्रेस दे वड्डे आगुआं वल्लों एक दूजे विरुद्ध कीती जा रही स्थिति ते तिखी बयानबाजी दा सख्त नोटिस लिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दी जनरल सकत्तर अते पंजाब कांग्रेस दी इंचार्ज आशा कुमारी दा कहना है कि सारे कांग्रेसी आगुआं नूं इस तरह पार्टी तों बाहर एक दूजे विरुद्ध बयानबाजी तों वरजिया गया है। उन्हां कहा कि जे किसे नूं सरकार जां पार्टी संगठन प्रति कोई शिकायत है तां ओह पार्टी फॉर्म ते अपनी गल रख सकदा है अते इस दा सब नूं अधिकार है। वड्डी वारदात, धी नूं जबरदस्ती लिजा रहे सन नौजवान, पिता ने रोकिया तां कर दिता कतल। जी हां, दस दईए कि बीती रात थाणा नेहियां वाला अधीन पैंदे इक पिंड विच इक कुड़ी नूं भजाउण दी कोशिश दे मामले विच कुड़ी दे पिता दा कतल होण दा मामला सामने आया है जिस तों बाद कातल भज्जण विच सफल हो गए। पुलिस ने मृतक दे परिवारिक मैंबरां दे आधारित दो व्यक्तियां खिलाफ कतल दा मामला दर्ज कर लिया है। जगमीत सिंह पुत्तर भोला सिंह वासी बला
ਸਾਹੜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਨੇਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲਿਖਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ 32 ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ 32 ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।